नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइटर रमेश पे। दोस्तों आज आपके लिए क्या कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि Facebook पे आपने गलती से किसी पेज बना लिया पहले, और अगर मान लो उसे डिलीट करना चाह रहे हो, आप कैसे डिलीट करोगे परमानेंटली। और पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आप Facebook पेज कैसे बनाओगे और अपने Facebook पेज पर कैसे वीडियो अपलोड करोगे, और अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो और अपना पेज बना सकते हो। और मान लो अगर गलती से आपने फिर Facebook पेज बना लिया और कैसे डिलीट करोगे, तो उस Facebook पेज परमानेंटली डिलीट करने के लिए मैं सारी डिटेल इस वीडियो में डालूंगा, वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे और वहाँ से बताऊंगा कि आप Facebook अब गलती से पेज बना लिया वो वैसे कैसे डिलीट करोगे अपना पेज परमानेंटली। तो दोस्तों चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे और देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे और यहाँ से देखेंगे आप Facebook पेज कैसे डिलीट करोगे। तो दोस्तों सिंपली आपको चले जाना Facebook एप्लीकेशन पर और यहाँ से सिंपली अपना Facebook ऐप ओपन कर लेना है, और यहाँ से पेज डिलीट करने के लिए सर्वप्रथम आपको देखना है कि आपके पेज से आपके प्रोफाइल यूज़ करके कितने पेज बनाए। तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऐसे तो आपके डेढ़ सारे जितने भी पेज बनाए सारे पेज यहाँ से दिख जाएंगे कि आप इस प्रोफाइल का यूज़ करके कितने पेज बनाए हैं। तो सिंपली आपको जो पेज डिलीट करना है उस पर क्लिक कर देना है ऐसे। तो मेरे को ये पेज वाला डिलीट करना है तो इसमें इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप पेज पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ सेंटर पेज आएगा पेज का। तो दोस्तों बात कर लेते हैं Facebook पेज की डिलीट कैसे होगा। तो सिंपली आपको Facebook पेज डिलीट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है ऐसे, और थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका पेज यहाँ के आपके सामने आ जाएगा। तो आपको पेज पर क्लिक करना है ना, ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ऐसे। तो जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपका नीचे आपका Facebook पेज का अकाउंट आ जाएगा जिसका यूज़ करके आपने पेज बनाया है, और ऊपर आपका पेज आ जाएगा। तो आपको पेज पर क्लिक करना है यहाँ से। तो आपको जैसे ही पेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसी की सेटिंग आएगी सारी। तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और यहाँ पर आपको जाना है Facebook पेज इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप पेज Facebook पेज इन्फॉर्मेशन पर आओगे तो आपके सामने थर्ड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सटेंडेड कंट्रोल मैनेज योर डाटा। यहाँ से आप अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो, सब कुछ डिटेल मॉडिफाई डिटेल कर सकते हो, और नीचे लिखा हुआ डिलीट योर पेज। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ से। यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ टाइम लगेगा लोड होने में, और यहाँ से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा डीएक्टिवेट एंड डिलीट। तो सिंपली आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से डीएक्टिवेट पेज और डिलीट पेज, यानी डीएक्टिवेट कुछ समय के लिए आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो अपने पेज को तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो, और अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ से परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ अपना Facebook पेज। तो सिंपली मैं डिलीट पेज पर क्लिक करता हूँ यहाँ से और कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो आपके सामने ये अलाउ मांगता है कि बिफोर योर डिलीट योर में आपका क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपना Facebook पेज डिलीट कर रहे हो। तो मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत टाइम बिता देता हूँ अपने Facebook पेज पे। तो मैं सिंपली फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो आपके सामने और ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है परमानेंट डिलीट पेज, तो सिंपली यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, वंस डिलीट पेज प्रोसेस, यानी आप अगर Facebook पेज डिलीट करना चाहते हो और अपना डाटा फोटो वगैरह वीडियो वगैरह इस पर जो भी डाला हुआ है वो सेव करना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो अपना, और यहाँ से ट्रांसफ़र करते हो। तो सिंपली मैं कुछ सेव नहीं करना चाहता, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वैसे ही मेरा पेज बन गया था। तो सिंपली मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलता है, कंफर्म डेट योर पेज डिलीट, यानी आप कंफर्म हो कि अगर अपना पेज डिलीट करना चाहते हो आप। तो सिंपली आप मैं कंफर्म हूँ, और इसकी ये आपको पेज दिख जाएगा, अपना Facebook अकाउंट दिख जाएगा, इसकी मदद से आप अपने Facebook जो क्रिएट किया था वो अकाउंट डालना है आपको, अपने अकाउंट का पासवर्ड नंबर डालना है यहाँ से जिसकी मदद से आप ये पेज बनाए हैं। तो सिंपली मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ से और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने पासवर्ड डाल लिया और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कंटिन्यू किया अपना Facebook अकाउंट का पासवर्ड डाल के, तो यहाँ आपको सिंपली नेक्स्ट पेज देखने को मिलता है डिलीट YT, फिर आपका जो भी पेज का नाम होगा वो बता देगा यहाँ से, और ये आपका कंटेंट योर मैसेंजर। तो यहाँ से आपको बता रहा है कि आपका आप अगर ये पेज डिलीट करोगे तो आपके मैसेंजर पे जो भी मैसेज आए हुए सारे वो चैट डिलीट वगैरह से डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो मैं पेज सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ आपके नेक्स्ट पेज देखने को मिलेंगे डिलीट दिस पेज दिस फॉलोइंग पेज इन डिलीट, आपका ये पेज डिलीट हो जाएगा 30 दिन के अंदर। आप अगर दोबारा कंटिन्यू लॉगिन नहीं करोगे ना तो आपका पेज डिलीट हो जाएगा,
और अगर आप गलती से डिलीट हो गया तो आप वापस जाके अपने सेटिंग में इसको पेज को ला सकते हो 30 दिन के अंदर। और अगर 30 दिन के अंदर आपने ऐसा सब कुछ नहीं किया तो आपका पेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली मैं इस पेज को नहीं जाता हूँ, तो सिंपली मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट पेज पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे डिलीट पेज पर करता हूँ तो आपके सामने मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और मेरा पेज डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपना फेसबुक पेज डिलीट कर सकते हो अगर आपका पेज गलती से बन गया है, और आप जाके ज़्यादा पेज हो गया तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार की आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।